नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। कोरोना काल में हमने बहुत सारी परेशानियां झेली, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, हर तरह भी हमने देखे, मगर पोस्ट कोविड हार्ट अटैक की बात हम जब करें तब लोगों में आज भी वो डर है कि क्या हमें कोरोना हो चुका है तो हम अब हार्ट अटैक के शिकार हो सकते हैं। ऐसे कहीं सोच के साथ अभी भी लोग डरे हुए हैं। तो डरना नहीं है, और डरना नहीं है तो क्या करना है, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हैं आई क्योर हार्ट एंड डाइट क्लिनिक वडोदरा से डॉक्टर क्रिश वैद्य। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। डॉक्टर क्रिश वैद्य एमडी फिजिशियन पीजी इन कार्डियोलॉजी फेलोशिप इन डायबिटोलॉजी। डॉक्टर साहब का अनुभव काफ़ी सारा है और उन्होंने अभी जब कोरोना काल में जिस तरह लोगों को पेशेंट को मरीजों को ट्रीट किया है उन अनुभवों को वो हमसे साझा करेंगे। और बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास में, जो आपके मन में भी होंगे वो सवाल भी मैं उनसे पूछूंगी। कोरोना के बाद हार्ट अटैक के केस क्यों बढ़ रहे हैं, सबसे पहले तो उसके बारे में बताइए। यस गायत्री जी, कोरोना जो है खुद ही एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म है। इट इज़ नॉट अ सिंगल थिंग, एक जुकाम हुआ चला गया। कोरोना एक पूरा ही सारी सिस्टम्स में इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, यानी कि एक सूजन जिसको बोलते हैं वो पैदा करता है। तो उसके कारण जो भी ब्लड वेसल्स हैं, जो भी सारे ऑर्गन है, उस सब में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स आती है। साथ साथ में आप जैसे कि सब जानते हैं डी डाइमर है, सीआरपी है, वो सारे लेवल्स बढ़ जाते हैं। सो क्लॉटिंग के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो जो भी लोग ऑलरेडी हार्ट अटैक होने की कगार पे थे, यानी कि एट रिस्क थे, जिसको डायबिटीज़ था या ओबेसिटी थी या स्मोकिंग करते थे, स्ट्रेसफुल लाइफ थी, राइट, सो वो लोग ज़्यादा प्रोन थे, तो उनको शायद उसमें ज़्यादा और आगे खतरा बढ़ गया जी। उसके कारण हार्ट के केसेस सडनली इतने ज़्यादा बढ़ गए। सो दैट इज़ द मेन कॉज। यानी सीधा संबंध है हार्ट अटैक और कोविड को, yes. ये मान सकते हैं। बिल्कुल। ऐसे कई किस्से हमने सुने जो यंग रोहित सदाना की हम बात करें तो उन्होंने कोविड से शायद उनको निजात मिल चुकी थी, ऑलमोस्ट वो ठीक हो चुके थे और फिर हार्ट अटैक हुआ जी। और वो चले गए। ऐसे कई किस्से सामने आए, उसके क्या कारण है? जी, मेन कारण चीजें हैं। अगर हम यंग एंड दूसरे लोगों की अगर बात करें तो अगर यंग लोगों की बात करते हैं सो अगर तीन एस हैं, ओके, स्ट्रेस, सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड स्मोकिंग, अगर ये तीन स्ट्रेस वाले एस हैं सो यंग एंड ओल्ड में कोई फर्क नहीं है। सो कोई भी लोग जो है थोड़ा स्ट्रेस में रहते हैं, लाइफस्टाइल थोड़ी सेडेंटरी है, उनको ये चीज़ ज़्यादा इफेक्ट करती है। और जैसा कि एस वी डिस्कस्ड कि कोरोना में चांसेस बढ़ जाते हैं हार्ट की नली में डैमेज होने के, क्लॉटिंग होने के, सो उसके कारण जो है वो चीज़ें होती हैं। बट कहना चाहूँगा कि जितने केसेस आ रहे हैं उसके सामने उसका पैनिक बहुत ज़्यादा है। सो ऐसा नहीं है कि भाई कोरोना हो गया तो चलो हार्ट अटैक होना ही होना है, नो इट्स नॉट लाइक दैट, बट चांसेस बढ़ते हैं। जैसे कि आप स्मोकिंग करते हैं तो ऑलरेडी यू आर एट रिस्क, सो ऊपर से कोरोना है तो उससे एक और स्टेप बढ़ जाता है रिस्क का। सो वी नीड टू जस्ट बी कॉशियस और वी नीड टू कंट्रोल अवर अदर थिंग्स, स्ट्रेस लेवल है, स्मोकिंग है, लाइफस्टाइल थोड़ी एक्टिव करनी है। सो कुल मिला के यंग एंड ओल्ड में कोई अभी डिफरेंस नहीं रहा है। इफ़ यू आर ए कोविड पेशेंट, पोस्ट कोविड रिकवर्ड पेशेंट, सो यू नीड टू बी कॉशियस एज वेल। यानी बहुत ज़्यादा हमें समझदारी से जिंदगी में अब आगे चलना होगा जब आपको कोविड हो चुका है। चेस्ट पेन की हम बात करें तो जनरली ऐसा होता है कि दो प्रकार के लोग हमें समाज में देखने मिलते हैं। एक ये है कि चेस्ट पेन को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं कि नहीं मुझे ये हुआ है तो मुझे फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। एक तबका ऐसा है जो ये सोचता है कि नहीं एसिडिटी होगी, क्या ज़रूरत है डॉक्टर के पास जाने की, नॉर्मल चेस्ट पेन है। तो ये कैसे समझे कि ये चेस्ट पेन वाकई हार्ट अटैक का है या नहीं? ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है क्योंकि मोस्टली बहुत सारे लोग पैनिक में भी और ऐसे ही पहुंच जाते हैं कि सर मुझे हार्ट अटैक आने वाला है, मुझे हार्ट अटैक है, मुझे आप भर्ती कर दो, मुझे एंजियोग्राफी करनी है, ये करना है, वो करना है, राइट। बट मोस्टली समय समझना है कि सारे पेन हार्ट के पेन नहीं होते हैं, राइट। और टिपिकल पेन की अगर बात करें कि अगर चलो हार्ट से रिलेटेड पेन है तो कैसा उसका कैरेक्टर क्या है, क्लासिफिकेशन या जो बोलते हैं ना कि क्या कैसे पता चलेगा कि हार्ट का पेन है या कुछ और है। सो चेस्ट है, उसके अंदर रिब्स भी आती है, फेफड़े भी आते हैं, राइट, अपने
जो डाइजेस्टिव ट्रैक का पाइप होता है वो भी आता है। सो चीज़ ये है कि अगर पेन, अगर आप एक जगह पे लोकलाइज्ड होते हैं, मोस्टली लोग जो आ रहे हैं हमारे पास 80% पेशेंट वो एक ही पॉइंट पे हाथ रखते हैं, ये जगह पे पेन हो रहा है या यहाँ पे पेन हो रहा है। सो कैन इफ़ यू कैन पॉइंट आउट अ पेन कि ये जगह है तो वो हार्ट से संबंधित नहीं है। ओके, क्योंकि हार्ट इज़ अ मूविंग ऑर्गन और लेफ्ट साइड से लोग बोलते हैं लेफ्ट साइड में हार्ट है, बट हार्ट इज एक्चुअली सेंट्रली लोकेटेड। सो सेंटर में मोस्टली क्रशिंग ऐसे पेन, कोई जैसे ना हाथी बैठ गया हो छाती पे, ऐसे टाइप का क्रशिंग पेन होता है और वो रेडिएट करता है। रेडिएट मीन्स फैलना। वो लेफ्ट साइड पे यहाँ से हार्ट के नीचे के साइड शोल्डर पे बैक में ऐसे रेडिएट होता है। एंड पेन यूजुअली कम्स एट द लास्ट स्टेज। सबसे पहले थोड़ी सांस फूलना, थकान होना, दो माले या तीन माले चढ़ें तो ऐसा लगेगा कि अभी दम घुट रहा है, घबराहट हो रही है, बैठ जाना पड़ता है। और फिर जो है, फिर भी आप अगर कंटिन्यू करते हैं, एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं या चलना कंटिन्यू, देन द पेन कम्स एट लेटर स्टेज, राइट। सो सारे पेन जो है वो हार्ट के नहीं होते हैं। सो उसका पैनिक छोड़ के उसको कैटेगराइज करना है कि ओके ये पेन जो है वो हार्ट का है। सेंट्रल क्रशिंग पेन, जैसे हाथी बैठा हो यहाँ पे लेफ्ट साइड में फैल रहा हो, सो दैट इज टिपिकल हार्ट रिलेटेड पेन। जी, मगर ऐसी परिस्थिति में किसी ने जांच या समझ लिया कि हाँ मुझे ऐसा हो रहा है, सेंटर में हो रहा है, फिर ये पेन मूव कर रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या करे एक व्यक्ति? जी, जब भी ऐसा लगता है कि जो पेन हो रहा है, खैर कोई भी पेन को ऐसा बोला जाता है कि निगलेक्ट नहीं करना है, और जैसे कि आपने बताया कि लोग घर पे बैठे रहते हैं, लोगों को पता भी होता है कि हाँ ये हार्ट अटैक हो सकता है, क्योंकि पहले भी आ चुका होते हैं, ऐसे लोग भी हैं। सो वो बैठते हैं कि नहीं हो जाएगा, वो अजवाइन का पानी पी लिया, ये कर लिया, बैठ जाएगा, पर नहीं, डरना नहीं है। अभी बहुत सारे रेमेडीज़ हैं, बहुत सारी अलग अलग डायग्नोस्टिक मेथड्स हैं। सो क्लियर कट जो है उसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि वेदर इट इज़ हार्ट और नॉट। सो कोई अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा कर, आपके नॉर्मल जो भी फिजिशियन होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उनके पास जाकर एटलीस्ट इन ECG जो है वो बहुत अभी हर जगह पे अवेलेबल है, ECG कोई भी कर सकता है। उसके अंदर कोई चेंजेस लगते हैं या कोई साइलेंट भी चीज़ें लगती हैं तो फिर आगे 2D को टेस्ट हैं, और फिर भी सब नॉर्मल है, आप रिकवर्ड हैं, तो ट्रेडमिल टेस्ट हैं। सो बहुत सारे टेस्ट हैं, वो करके देखा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सीधे ही आपको भर्ती कर देंगे, और लोग आजकल बहुत डरते हैं कि सर एंजियोग्राफी हो जाएगी, एंजियोप्लास्टी हो जाएगी। नहीं, सीधा ये स्टेज पे कोई कहीं जगह पे नहीं होता। सो जस्ट पहले मुलाकात तो कीजिए, फिर अगर कुछ होता है सो देन आगे देखा जाएगा, वो चीज़ है। सो डरना नहीं है, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। ये बहुत अच्छी बात बताई कि डरना नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी के साथ में ये पेन की बात हुई कि डरना नहीं है, मगर जो कोविड होने के बाद या पोस्ट कोविड अभी लोग ज़्यादा डर रहे हैं, तो उसमें नहीं डरना है तो करना क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। जिनको कोविड हो चुका है वो अपने हार्ट की जाँच के लिए कि हेल्दी हार्ट है, हमें कुछ नहीं हो सकता, अगर हो सकता है उसके प्रिवेंशन में के लिए क्या किया जाए, तो क्या करें वो, किस तरह के टेस्ट करवाएं? जी, जिनको भी कोविड हो गया है उन लोगों को सबसे पहले अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखनी है। ओके, इम्यूनिटी पूरे शरीर की, जिसके अंदर लंग्स आ गए, हार्ट भी आ गया एंड बाकी ऑर्गन्स भी आ गए, राइट। सो अगर हम स्पेशली हार्ट की अगर बात करते हैं, सो हार्ट के लिए एन्यूअली हर साल हर किसी को, जो भी अबाउ 30 है, पहले ऐसा था कि 60 ईयर्स के बाद में हार्ट अटैक आएगा, आप तब तक मजे कर लो, कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है, राइट। सो द एज एज वेनिस्ड, कोई एज लिमिट नहीं है। सो एटलीस्ट डू ए ट्रेडमिल टेस्ट ईयरली, आपका एक 2D को, जो कि हार्ट की सोनोग्राफी होती है, उसके अंदर सारी चीज़ें पता चल जाती है कि हार्ट का फंक्शन कैसा है, हार्ट के वाल्व्स कैसे हैं, राइट, कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है कि नहीं, दैट इज इकोकार्डियोग्राफी, जो कि 15-20 मिनट लगती है और कोई उसमें कुछ चुभाना नहीं होता है, जस्ट काइंड ऑफ सोनोग्राफी ऑफ हार्ट, राइट। और दूसरा जो सेकंड स्टेज है, दैट इज़ द ट्रेडमिल टेस्ट, जो जिम में जैसे हम ट्रेडमिल देखते हैं वैसा ही छोटा सा ट्रेडमिल होता है, उसके ऊपर थोड़ा चलना होता है, थोड़ा स्पीड से चलना होता है, तो उसके अंदर पूरी लीड्स लगा के हम हार्ट को पूरा इवेल्युएट कर लेते हैं कि कोई ब्लॉकेज होने की संभावना है कि नहीं है। और अगर ट्रेडमिल टेस्ट में कुछ आता है सो देन दे आर एट रिस्क, पर एटलीस्ट हार्ट उनका अटैक से पहले हम उनको बचा सकते हैं। सो आइदर बाय मेडिकेशन और बाय अदरवाइज वी कैन प्रिवेंट द हार्ट अटैक। सो हार्ट अटैक को बचाया जा सकता है और उससे फिट रहा जा सकता है, क्योंकि हार्ट अटैक आ जाने के बाद चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो जाती है। सो प्रिवेंशन इज ऑलवेज मच मोर बेटर देन क्योर। सो पैनिक नहीं करना है, एन्युअली जो है हार्ट का कुछ कुछ चीज़ें अगर हम देखते रहें सो इट विल बी टोटली फाइन।
ये आपने कहा कि ये टेस्ट की बात है, मगर हेल्दी हार्ट के लिए हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसा क्या करें ताकि जो जिनको कोविड हो चुका है वो ध्यान रखेंगे और जिनको नहीं हुआ है वो भी अपने हार्ट को ज़्यादा हेल्दी रख पाएं। कोविड से ही स्टार्ट करते हैं। सो कोविड की चीज़ है, अगर आप आंकड़े देखेंगे तो कोविड जो है ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड को टच करके गया है। ऐसा कोई भी घर नहीं होगा कि जिन्होंने किसी ना किसी को इन्फेक्शन ना हो गया हो, राइट। सो डेथ का रेशियो इसमें बहुत कम है, डेंगू से भी कम है, चिकनगुनिया से भी कम है, अब मलेरिया से भी कम है, अगर आप आंकड़े WHO के जो है वर्ल्ड वाइड वो देखेंगे तो। सो पैनिक का कारण नहीं बनता है, राइट। अगर आप स्मोकिंग करने से नहीं डरे, तंबाकू खाने से नहीं डरे, शराब पीने से नहीं डरे, तो कोविड से क्यों डर रहे हैं? वो चीज़ें ज़्यादा खतरनाक है, राइट। सो पैनिक नहीं करना है। जो भी चीज़ें फेमस हो जाती है ना, तो वो डर भी फेमस हो जाता है कि हर कोई लोग डर रहे हैं, तो अरे मुझे भी डरना है, राइट। और कोविड के आंकड़े में डेथ रेशियो काफ़ी कम है, सेम वेज में हार्ट के केसेस आ रहे हैं, नो डाउट, पर उसका रेशियो कम है और वो सारे केस ट्रीटेबल केस हैं, राइट। अगर एडवांस में डायग्नोसिस हो गया तो उसके ट्रीटमेंट भी पॉसिबल हैं। सो फर्स्ट थिंग एंड फॉरमोस्ट थिंग इज नॉट टू पैनिक एट ऑल। पैनिक नहीं करना है, जो भी चीज़ें उसको डायग्नोस करके ठीक कर सकते हैं। घर पे रही सवाल कि हम क्या कर सकते हैं, घर पे बैठ के कौन सी ट्रीटमेंट कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। सो जैसे हमने बात करी, इम्यूनिटी को ठीक रखना है। इम्यूनिटी के बारे में अगर बात आती है तो चार चीज़ें सामने आती है, विटामिन सी एंड जिंक प्लस विटामिन B12 एंड विटामिन D3। ये चार चीज़ें अगर सही रही तो ओवरऑल बॉडी की इम्यूनिटी ठीक रहती है। सो सी एंड जिंक बहुत फेमस हो चुका है, हर लोग लेते रहे हैं, राइट। पर B12 एंड D3 बहुत लोगों ने मिस किया है, जो कि एक्चुअल पिक्चर उसका है। सी एंड जिंक हमें बहुत सारी चीज़ों में ऑलरेडी इंडियन फूड में मिलता है जी। B12 एंड D3 दो चीज़ें हैं जो नहीं मिलती हैं, और अभी ज़्यादातर हम लोग देखते हैं B12 डेफिशिएंसी वाले लोग बढ़ गए हैं समाज में। एब्सोल्युटली, क्योंकि कोविड इन्फेक्शन भी काफ़ी लोगों को टच किया है, बाहर का एक्सपोजर कम हुआ है, फूड की हैबिट्स चेंज हो गई है, एसिडेंटरी लाइफस्टाइल, मेनी मोर थिंग्स, प्लस RO वाटर इज अ बिगेस्ट कल्प्रिट ऑफ B12 डेफिशिएंसी। मेरे मन में यही चल ही रहा था कि कोविड से पहले भी इतने ज़्यादा लोग बात करते थे कि B12 डेफिशिएंसी हो गई है, अब हमें ये खाना पड़ेगा, अब हमें ये करना पड़ेगा। वो कोविड से पहले का सिनेरियो था, कोविड के बाद तो और भी ज़्यादा बढ़ गया है। सो बहुत सिंपल सॉल्यूशन है, कोई भी अच्छी लेबोरेटरी को फ़ोन करें, घर पे आके दे विल टेस्ट द B12 एंड D3। B12 एंड D3 के लेवल ठीक रखें तो आपके बॉडी के 20 से 22 फंक्शंस, नॉट 1 or 2, 20 से 22 फंक्शंस पूरे बॉडी के, इंक्लूडिंग हार्ट एंड ब्रेन, वो ठीक रहेंगे। सो वो मेन चीज़ है। कोई टेस्ट रेगुलर कराने चाहिए होंगे? अभी जो रिकमेंडेड है दैट इज़ टू बी डन एनुअली। ओके, हर साल में एक बार B12 एंड D3 का टेस्ट हो जाए तो चीज़ें अच्छी है। सो एनुअली वी नीड टू चेक। उसके हेल्दी हार्ट के लिए रेगुलर टेस्ट को क्या सजेस्ट करते हैं? हेल्दी हार्ट के लिए अगर बोला जाए तो सेम B12 एंड D3 हार्ट के ऊपर भी काफ़ी इफेक्टिव चीज़ें होती है, हार्ट एज वेल एज ब्लड फॉर्मिंग और बहुत सारी चीज़ें। साथ साथ में इको टेस्ट हैं, इको टेस्ट एनुअली कराने की ज़रूरत नहीं है, एक बार ठीक आ गया तो आप 2-3 साल के बाद रिपीट कर सकते हैं। बट ट्रेडमिल टेस्ट एनुअली हो जाना चाहिए, और आप अगर स्मोकर हैं, डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव है, सो जल्दी भी करा सकते हैं, और जब भी लगता है कि भाई थोड़ा चलने में सांस फूल रही है और वो है, तो इमीडिएटली करा लेना चाहिए। सो अगर ये चार चीज़ें देखी गई सो सारी चीज़ें जो है वो क्लियर आउट हो जाती है। ECG जो है वो एनुअल चेकअप में उसका इतना बड़ा रोल नहीं है। लोग क्या करते हैं, हार्ट में कुछ लग रहा है, चलो ECG सिर्फ करा लिया। नहीं, ECG जब हार्ट अटैक होगा या रिदमिकल डिस्टर्बेंस आएगी तभी वो जज कर पाएगा। सो ECG इज़ नॉट a very good test, but not that accurate test to predict the future. Future prediction के लिए ये 3-4 चीजें बहुत आवश्यक हैं। Lipid profile को आप कैसे बताएंगे? Lipid profile जो है वो बहुत ही चर्चास्पद और शंकास्पद चीजें हैं। इसीलिए मैंने पूछा। Actually, heart, अगर मेरी बात है, अगर सबके मंतव्य अलग अलग हैं, heart और cholesterol जो हम चेक करते हैं, जो हमारी लेबोरेटरी में कॉमन जो लिपिड प्रोफाइल और उसमें ट्राइग्लिसराइड्स हैं, LDL, VLDL वो होता है, उसको ज़्यादा संबंध नहीं है। ओके, लोग क्या करते हैं कि चलो कोलेस्ट्रॉल कर लिया, मेरा कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट ठीक है, अब मैं जलसे करूँगा, राइट। वैसा नहीं है। अगर मैंने काफ़ी सारे मेरे पेशेंट्स हैं कि जिनका कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड सब 700-800 लेके घूम रहे हैं, जो नॉर्मली 150-200 की रेंज होती है, फिर भी उनको कुछ नहीं हो रहा है। और जो भी हार्ट के पेशेंट हैं जिनको हम एडमिट करते हैं, जिनको कुछ ग्राफीप्लास्टी है, बाईपास तक करने की जरूरत पड़ती है, उन लोगों के रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं कोलेस्ट्रॉल के। यस,
सो एक्चुअल चीज क्या है कि जब भी अगर हार्ट की नली जो होती है, जो कोरोनरीज जो हार्ट को खुद को सप्लाई करती है, वो अगर नैरो हो गई, वो पतली हो गई कुछ भी कारण के कारण, राइट, फॉर एग्जांपल डायबिटीज के कारण, हैवी ब्लड प्रेशर के कारण, कोविड के कारण, इन्फ्लेमेशन और उसके कारण, तो स्मोकिंग के कारण, तो वो जब नली ही पतली हो गई तो कोलेस्ट्रॉल क्या आगे चल के उसमें पानी भी फंस जाएगा, तो क्या अपन पानी भी चेक कराते रहेंगे कि ब्लड में इतना पानी है, राइट, वो पाइप को हमें चौड़ा रखना है, दैट इज द मेन टारगेट। पाइप अगर नैरो हो गया तो आज नहीं तो कल कोलेस्ट्रॉल है कि नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें फंसेगा ही फंसेगा, राइट। सो जो बाकी की चीज़ें हैं उसके ऊपर फोकस ज़्यादा करना है, कोलेस्ट्रॉल का इतना ज़्यादा वो नहीं है। नो डाउट कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा से ओबेसिटी होती है, एंड ओबेसिटी के कारण तो हर एक डिजीज होता है, जो भी आप नाम बोले ये क्या हो सकता है, हाँ हो सकता है, ओबेसिटी हर कुछ करती है, राइट। सो कोलेस्ट्रॉल पे कंट्रोल रखना यानी कि ओबेसिटी को कंट्रोल रखना, उसको और हार्ट को जोड़ने की इतनी ज़्यादा तात्पर्य नहीं है जी। पोस्ट कोविड, कोविड की हम बात कर रहे हैं तो आपके मुताबिक थर्ड वेव पे हम आते हैं, थर्ड वेव आपको लगता है आएगा, और आया तो जो चर्चाएं अभी हमने सुनी है कि बच्चों को ज़्यादा खतरा है, बच्चों में ज़्यादा केसेस बढ़ेंगे, क्या कहेंगे? देखिए सदगुरु जी को मैं यहाँ पे कोट करूँगा, जुगी वासुदेव जी, वायरस आपको मारना नहीं चाहता है, राइट, वो अपना बेचारा पेट भर रहा है और जा रहा है। ऐसे ही थर्ड वेव आएगी कि नहीं आएगी, उसके ऊपर एक सिंपल चीज़ जो है, ना फर्स्ट वेव आई थी, ना सेकंड वेव आई थी, ना थर्ड वेव आएगी। फर्स्ट वेव लाई गई थी, सेकंड वेव भी लाई गई थी मेरे और आपके द्वारा, और थर्ड वेव भी अगर हमने मास्क नहीं पहना, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मैनेज किया, केरला में घूमने गए, राइट, केरला में इतने सारे केसेस हैं, फिर भी कितने गुजराती टूरिस्ट हैं, वो टूर कंपनीज हैं उनको लेके जा रही हैं, वाई? सो आएगी नहीं थर्ड वेव, थर्ड वेव को लाया जाएगा, राइट, चाइना से ही तो आया है सारी चीजें, आया नहीं है, चल के नहीं आया है, लाया गया है, राइट। सो आएगी कि नहीं आएगी वो चीज़ तो है ही, चांसेस कम है, क्योंकि मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम करके वैक्सीनेशन इतना रैम्पेंटली किया है, दैट इज़ अ बिग मिरेकल, वो कोई रिकॉर्ड नहीं है, इट्स नॉट ए ब्लड ये वर्ल्ड रिकॉर्ड, इट इज़ अ मिरेकल, इतने सारे कंट्री में इतनी अच्छे से वैक्सीनेशन एक साथ करना, इसी के कारण शायद हम थर्ड वेव से बचे हैं। फॉरेन में दिखाते नहीं है बट हालत बहुत ख़राब है, इंडिया से बद से बदतर हालत फॉरेन में है, पर लोग इतना शो नहीं करते हैं। सो इंडिया इज़ वेरी वेरी वेल अहेड ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, राइट। सो थर्ड वेव के लिए हम इम्यून हैं थैंक्स टू मोदी गवर्नमेंट एंड वैक्सीनेशन, सो वैक्सीनेशन इज़ अ मस्ट, तो उससे थर्ड वेव अटकाई जा सकती है। सेकंड, मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग से लोग उग गए हैं, अरे ये क्या मास्क पहनो, ये क्या हाथ धोते रहो, नहीं वो करते रहना है अपने लिए ही अच्छा है, क्योंकि और भी इन्फेक्शन अभी फैल रहे हैं काफ़ी सारे घर में, ऑलमोस्ट हर एक घर में सर्दी जुकाम वो सारी चीज़ें हैं, तो सिर्फ कोरोना ही नहीं, मास्क से और हाथ धोने से उससे भी प्रोटेक्शन मिलेगा, नॉर्मल जुकाम है, स्वाइन फ्लू भी चल रहा है, तो वो सारी चीज़ों से प्रोटेक्शन मिलेगा। सो चीज़ हुई बच्चों की, सो इंडियन पीडियाट्रिक एसोसिएशन जो है उन लोगों ने प्लस WHO ने भी किया है कि ऐसी कोई चीज़ एविडेंट नहीं है कि बच्चों को ही ज़्यादा होगा, और ये एक एजम्पशन था लोगों का कि पहले जो है वो बड़ों में हुआ, फिर इन ये मिडल एज ग्रुप में हुआ, अब बच्चे टारगेटेड हैं, ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। बच्चे अपने आप में इम्यून होते हैं, और बच्चों में कोविड के केसेस मोस्टली माइल्ड होते हैं और वो अपने आप ठीक भी हो रहे हैं। नो डाउट गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी व्यवस्था पीडियाट्रिक वार्ड्स में भी करके रखी हुई है, पर इतना ज़्यादा पैनिक होने की बच्चों के लिए ज़रूरत नहीं है, और ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि बच्चों में होगा या टारगेटेड अभी चिल्ड्रन है, वो वैसा नहीं है। सो थर्ड वेव आने के चांसेस भी कम हो जाएंगे और बच्चों के चांसेस तो और कम है, सो दैट इज़ इट, क्योंकि हम सब भी वैक्सीनेटेड हैं तो हमारे बच्चे ज़्यादा सेफ हैं, yes. तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लास्ट में क्या संदेश देंगे कि कोविड से बचने के लिए हमने सारे उपाय किए हैं, अब हेल्दी हार्ट के लिए हमें जो उपाय करने हैं, जैसे आपने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, मगर हमें हमारे खान पान में कुछ खास ध्यान रखना है, हमारी जो हैबिट्स गलत हो गई हैं उसमें थोड़ा सा सुधार लाके, थोड़ा सा, ज़्यादा सुधार लाने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा सुधार क्या लाएं जिससे हम खुद हेल्दी रहें और खासकर हमारा हार्ट हेल्दी रहे। सबसे पहले तो काफ़ी ये अच्छा टॉपिक है और बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले चीज़ें ये हैं कि इंसान जो है
खैर सदियों से कहा जा रहा है कि पैसे के पीछे भाग रहा है या कुछ काम में बिजी है या कुछ भी। सो जो आजकल की स्ट्रेसफुल लाइफ है, काफ़ी सारे यंग पेशेंट भी हम 20 साल 22 साल 28 साल वो लोग भी देख रहे हैं कि उनको हार्ट की ब्लॉकेज वगैरह आ रही हैं। सो रीज़न, स्ट्रेस इज़ द बिगेस्ट रीज़न। सो पैनिक है, स्ट्रेस है, और कोई ना कोई चीज़ों का, कि पढ़ाई का स्ट्रेस है ना कॉलेज का स्ट्रेस है, उस स्ट्रेस को दूर करना है। अगर स्ट्रेस कम रहेगा तो जो भी हार्ट के वेसल्स हैं और पूरे बॉडी के जो ऑक्सीजन के पूरा संचालन है, वो रक्त संचालन काफ़ी अच्छा रहेगा। सो हमें स्ट्रेस से दूर रहना है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। दूसरी चीज़ है कि स्मोकिंग। स्मोकिंग अगेन 30-40% पार्ट कवर करता है पूरे 100 में से हार्ट के ऊपर लोड का, राइट। सो स्मोकिंग तो आज नहीं कभी नहीं, पैसिव स्मोकिंग भी नहीं, राइट। ये लोग बहुत स्मोकिंग, नहीं मैं स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करता, पर आपके दोस्त लोग करते हैं। हाँ मैं पार्टी में बैठता हूँ, मैं सॉफ्ट ड्रिंक पीता हूँ, और वो लोग हाँ सर वो स्मोकिंग करते हैं। नहीं, पैसिव स्मोकिंग भी नहीं, वो भी इतना ही खतरनाक है। लोग बहुत सारे वो पान के काउंटर्स और वो जो होते हैं वहाँ पे जाके टी पोस्ट के बाहर और करके अच्छी अच्छी जगह हैं, फिर भी स्मोकिंग कर रहे हैं दूसरे, तो वो पैसिव स्मोकिंग भी आपको इफ़ेक्ट करता है। सो पैसिव स्मोकिंग भी अवॉइड करना है, सो नो स्मोकिंग। और बहुत लोग बोलते हैं ना कि सर मैं तो सिर्फ 2 ही सिगरेट पीता हूँ दिन में। ऐसा नहीं होता, राइट। चोरी आप 100 रुपये की करें कि 1000 रुपये की करें, चोरी चोरी होती है, और डैमेज वो इतना ही करता है, राइट। सो एटलीस्ट कोई भी स्मोकिंग, कोई भी टाइप का, सारी ही सब कुछ अवॉइड करना है। खान पान की अगर बात करते हैं कि क्या खाना चाहिए क्या पीना चाहिए, राइट। सो गुजराती लोग थोड़े से खान पान में थोड़े पीछे ही वो होते हैं, क्योंकि अपना जो खाना है टेस्ट में तो बहुत अच्छा है, पर हेल्थ में इतना प्रॉपर नहीं है। सुबह सवेरे ब्रेकफास्ट में ही वो पैकेट खुलते हैं नमकीन के, जी वही चीज़ें। जितनी लाइव चीज़ें खाएंगे, जिंदा चीज़ें, हाँ जिंदा प्राणी पकड़ के नहीं खाने जाना है, लाइव चीज़ें, फ्रेश फ्रूट्स हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, राइट। जितना भी ज़्यादा कंज्यूम कर सके इतना अच्छा है। एक जापानी स्टडी में आया था कि अगर आप 400 ग्राम फ्रूट्स खाते हैं डेली के, सो हार्ट अटैक आने के चांसेस 90% तक डाउन हो जाते हैं, चाहे आप कोई भी हो, कुछ भी करते हो। क्या 400 ग्राम फ्रूट्स पर डे, राइट। अपन क्या करते हैं, ना ना सर हम तो फ्रूट खाते हैं, क्या खाते हैं, मैं रोज एक आधा सेब खाता हूँ, आधी सेब वाइफ खाती है, आधी मैं, आधा सेब मैं खाता हूँ, बहुत अच्छी बात, एक सेब तो खा लीजिए, राइट। वो अगरबत्ती करने जैसी चीज नहीं है, भगवान को दिल से प्रार्थना होनी चाहिए, राइट। सो ये भी वैसी ही चीज़ है, 400 ग्राम जो है वो फ्रूट रिकमेंडेड है, राइट। क्योंकि लोग बोलते हैं हरी सब्जी खाओ, सो लोग सोचने लगते हैं हरी सब्जी हरे कलर की या क्या खाने, क्या बात क्या कर रहे हैं, राइट। सो 400 ग्राम फ्रूट्स खाने हैं, जितने भी सब्जी और जो चीज़ें होती हैं उसमें प्रोटीन वाली चीज़ें बढ़ाइए, राइट। और ज़्यादा बॉयल करके उबाल उबाल के करके वैसे नहीं बनाना है, जितनी ही उसको रॉ रख सकें, जितना ही फ्रेश रख सकें उतनी चीज़ें अच्छी हैं। सैलड्स को ज़्यादा कंज्यूम करिए, पानी ज़्यादा पीना है। सो वो सारी चीज़ें जो है ऑक्सीडेंट्स जो होते हैं अपने यहाँ पे, जो भी हार्ट के वेसल्स को, किडनी के वेसल्स को, ब्रेन को डैमेज करते हैं, उसको ये चीज़ें एंटीऑक्सीडेंट के तरह से काम करेगी और स्ट्रेस भी बनाएगी। सो ये 2-3 चीज़ें ही इम्प्लीमेंट करें। और रही बात तेल की, सबसे बड़ा हमारा जो दुश्मन होता है कार्डियोलॉजिस्ट का, वो होता है तेल। लोग बोलते हैं अरे नहीं पर मैं तो ये वाला तेल यूज़ करता हूँ, ये तेल तो अच्छा है। तेल कोई अच्छा नहीं होता, सब चोर के भाई घंटी चोर हैं, राइट। ये तेल अच्छा ना वो तेल बुरा, वैसा नहीं होता, तेल तेल होता है, सारे तेल इक्वली खराब हैं। सो जितना कंजम्पशन कम करेंगे, कम से भी कम करेंगे, वो अच्छा है। और लोग मेजर करना चालू कर देंगे ना कि नहीं चलो मैंने आज 10 ml यूज़ किया या 5 ml यूज़ किया, तब उनकी आँखें खुलेगी। क्यों, ml की बात कर रहे हैं साहब, तो मैं तो लीटर्स में यूज़ करती हूँ, राइट। मेजर करना तो चालू करिए, फिर देखिए कितना ऑयल कंज्यूम हो रहा है। सो ऑयल कंजम्पशन मस्ट बी रिड्यूस्ड एज मच एज पॉसिबल, राइट। और एक्सेस सॉल्ट, सॉल्ट सिर्फ 2 चीज़ों में चलेगा, दाल में और सब्जी में, बाकी कोई भी चीज़ में सॉल्ट नहीं चाहिए जी। इसमें सब आ गया, हम तो सब में खाते हैं जी, रोटी में भी होता है, चावल में भी होता है, सब में सॉल्ट होता है, बिल्कुल। सो सॉल्ट, ऑयल एंड बाकी जो है स्मोकिंग है, और बाकी फ्रेश फ्रूट का कंजम्पशन, ये चीज़ों के ऊपर अगर ध्यान दिया जाए एंड स्ट्रेस लेवल कम किया जाए तो हार्ट फॉरएवर है, यंग रहेगा, और कोई कभी भी कुछ दिक्कत आने की संभावना ही नहीं होगी। एंड यस, एनुअल चेकअप में जो भी चीज़ें हैं वो कराते रहेंगे, ट्रेडमिल कराया है, इको कराया है, सो आगे का फ्यूचर भी प्रेडिक्शन होगा। हार्ट अटैक ओके, ट्रेडमिल नॉर्मल है, ओके मुझे हार्ट अटैक नहीं आएगा, तो वो स्ट्रेस भी कम हो जाता है। सो दैट इज़ अ परफेक्ट वे टू लिव अ हेल्दी हार्ट लाइफ।
जी जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी जानकारी दी है आपने। और हेल्दी हार्ट के लिए, अगर आप दिल को हेल्दी रखना चाहते हैं, स्वस्थ रखना चाहते हैं और जवान रखना चाहते हैं, हमेशा हर व्यक्ति ऐसा कहता है कि मैं यंग हूँ, मगर आप दिखने में जितने यंग हैं उतना ही आपका हार्ट यंग होना चाहिए। और हार्ट तभी यंग होगा जब आपके चेहरे पर स्माइल होगी। स्माइल होगी तो अपने आप स्ट्रेस लेवल कम होगा। तो बस हंसते रहिए, लोगों को हंसने का मौका दीजिए, खुशियाँ बांटिए। और स्ट्रेस से दूर रहने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है, म्यूजिक सुनते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर साहब। और VNM TV के साथ जुड़े रहे, ऐसी खास चर्चाएं और खबरों के साथ हम आप तक रोजाना 24/7 आते रहते हैं। VNM TV का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें। VNM TV की वेबसाइट है जहां आप विजिट कर सकते हैं खबरें पढ़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।